कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई के तने। मैं ड्रामा नहीं करेगा, आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा, आपके रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ, इसी में दिखाओ। एक और दो और तीन और चार और पांच, पांच और एक छह हो गई, तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें छह गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है, वही गोली इसमें जास्ती है। सर भूतनी के, अबे सड़े ले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। जो तू हमारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। जो सरकारी नेवले, चल शर्ट उतार। पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अमर सिंह, अमर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उधर। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? चल। मैं क्या, अपनी जिंदगी ऐसी फटे हाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर। सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है, कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। हिरण्यपुष्प प्रभवम् अरण्ययुद्धप्रावृतम्।